दोस्तों, विपक्ष के गठबंधन के नाम इंडिया रखने पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है। मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि विपक्ष को अपने गठबंधन का बदलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 18 जुलाई को बेंगलुरु में बीजेपी विरोधी 26 दलों की बैठक के बाद तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने ये बयान दिया था, जिसमें उन्होंने सवाल पूछा था कि एनडीए क्या आप इंडिया को चुनौती दे सकते हैं, बीजेपी क्या आप इंडिया को चुनौती दे सकते हैं, अन्य लोग क्या आप इंडिया को चुनौती दे सकते हैं। इसी बैठक में 26 दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा। इसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया है। लेकिन अब विपक्षी दलों के इस गठबंधन के नाम पर नया विवाद खड़ा होते नजर आ रहा है। दरअसल गठबंधन का शॉर्ट नाम इंडिया रखने पर PIL यानी जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि शॉर्ट फॉर्म इंडिया राष्ट्रीय प्रतीक यानी एम्ब्लेम का हिस्सा है, ऐसे में इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी मामले में 26 दलों के साथ ही केंद्र और चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। हाई कोर्ट के द्वारा दिखाए गए इस कड़े रुख को देखते हुए विपक्षी महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि कारोबारी गिरीश भारद्वाज ने कांग्रेस, तृणमूल समेत 26 दलों के इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का शॉर्ट फॉर्म इंडिया रखने पर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसमें कहा गया है कि इन 26 दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुचित लाभ लेने के लिए ही गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। इसमें तर्क दिया गया है कि इंडिया नाम का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की सहानुभूति और वोट हासिल करने के लिए किया गया है। इसके साथ ही इसे राजनीतिक फायदे के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल करने और चिंगारी भड़काने के लिए किया गया है, जो आगे चलकर राजनीतिक और हिंसा की वाह बन सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शॉर्ट फॉर्म इंडिया राष्ट्रीय प्रतीक का अनिवार्य हिस्सा है, ऐसे में शॉर्ट फॉर्म का उपयोग किसी व्यवसायिक उद्देश्य और राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। यह एम्ब्लम एंड नेम्स एक्ट 1950 का उल्लंघन है। साथ ही आगे कहा गया है कि इन राजनीतिक दलों का स्वार्थीकृत 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इससे देश के नागरिक अनुचित हिंसा का शिकार हो सकते हैं और देश की कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। याचिका में कहा गया है कि भारत के चुनाव आयोग ने इन राजनीतिक दलों को अपने गठबंधन का शॉर्ट नाम इंडिया का उपयोग करने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई तक नहीं की। ऐसे में याचिकाकर्ता के पास इस रिट याचिका को दायर करने के अलावा कोई भी अन्य विकल्प नहीं बचा है। गिरीश भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरोला के बेंच ने शुक्रवार को कहा है कि यह मामला सुनवाई करने के योग्य है। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। भारत के संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि संघ का नाम इंडिया या भारत है। संविधान किसी भी उद्देश्य के लिए इंडिया नाम के उपयोग पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाता है। हालांकि राष्ट्र के नाम के समान किसी भी चीज का नामकरण एक असामान्य घटना है और इससे आज स्पष्टता पैदा होना तय है। दुनिया भर में ऐसी कई पार्टियां जहां देश का नाम राजनीतिक दल के नाम का एक हिस्सा है, लेकिन देश के नाम के समान नाम होना दुर्लभ है। यानी 26 दलों ने अपने गठबंधन का जो शॉर्ट फॉर्म रखा है वो इंडिया है। यही विवाद की वजह भी है। अगर 26 विपक्षी दलों के गठबंधन के शॉर्ट नेम इंडिया से किसी कानून का उल्लंघन होता है तो ऐसे में देश में अनेक प्रकार के संस्थान हैं। इनमें कई मीडिया संस्थान हैं जिनके नाम में इंडिया, जैसे इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत, TV9, भारतवर्ष, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इनमें से कई नाम कानून बनने के बाद अस्तित्व में आए। इनके खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं हुई। ऐसे में विपक्षी दलों के द्वारा अपने गठबंधन का शॉर्ट में इंडिया नाम रखने से किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं होता है, क्योंकि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई तो अन्य नामों के खिलाफ भी करनी पड़ेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा।